हेलो दोस्तों, नई नस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चटपटा नाश्ता। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून राई ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर देंगे। दोनों अच्छी तरह से चटक जाए उसके बाद हम उसमें करीब 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। और गैस की आँच अभी अभी स्लो रखनी है। अभी हमें दोनों अच्छे तरह से चटक गए हैं। अब हम उसमें करीब आधा कटोरी से भी कम यहाँ हम पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने आधा कटोरी से भी कम यहाँ पानी ऐड कर दिया है और साथ ही यहाँ हमने 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है, वो भी ऐड कर देंगे। और 1 कटी हुई हरी मिर्च जो थोड़ी तीखी वाली है वही ली है मैंने यहाँ। 1 टेबल स्पून काली मिर्च को कूट लिया है, वो भी हम ऐड कर देंगे। और आधा टीस्पून जितना सौंठ ले लेंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हम उसमें 1 कद्दूकस किया हुआ आलू ऐड कर देंगे, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है जिससे सारा चार उसका निकल जाए। 2 टेबल स्पून जितना धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेंगे और करीब 2 मिनट तक हम उसे पहले धीमी आंच पर पका लेंगे थोड़ा सा। मैंने मिक्सी जार में पोहा जो आता है उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है मिक्सी जार में। वो करीब मैंने यहाँ आधा कटोरी लिया है, आधा कटोरी पानी और आधा कटोरी मैंने यहाँ पोहा का मैश कर अच्छी तरह से ले लिया है मिक्सी जार में। आप आसानी से इसे पीस सकते हो और मिक्स करते जाएंगे और 2 के शेप में आने तक हम उसे अच्छी तरह से पका लेंगे। गैस की आँच हमें अभी एकदम स्लो रखनी है दोस्तों। और साथ ही मैंने यहाँ पूरा बैटर ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून जितना मैंने यहाँ बारीक वाला सूजी ले ली है, वो भी ऐड कर सकते हो। आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हो जिससे नाश्ता कुरकुरा बने, न हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। दोस्तों आज आपको मेरी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम दिखेंगी क्योंकि आज मेरा गला बैठा हुआ है, सर्दी खांसी ताव भी थोड़ा आ गया है, इसीलिए थोड़ी सी तबीयत नरम है इसलिए आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही है दोस्तों। फिर भी मैंने वीडियो आपके लिए बना दी है। तो अब हम उसे अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे और करीब 2 मिनट तक हम उसे पका लेंगे और 2 मिनट के बाद हम उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब चम्मच की मदद से प्रेस करते हुए हम उसे मिक्स करते जाएंगे। अभी बैटर हमारा गर्म है थोड़ा सा। अब हम उसमें 2 चम्मच हमें यहाँ उसमें तेल ऐड करने हैं, जो वाइट वाले तेल आते हैं वही मैंने यहाँ लिया है। तो 2 टेबल स्पून जितना हम उसमें तेल ऐड कर देंगे जिससे नाश्ता दिखने में भी अच्छा लगता है और क्रंचीनेस भी आती है नाश्ते में। तो अब हम उसे मिक्स कर लेंगे और बाइंडिंग के लिए हमने यहाँ चावल का आटा हमें यहाँ लेना है। तो करीब 1 टेबल स्पून जितना हम चावल का आटा ऐड कर देंगे जिससे अच्छी तरह से डो में बाइंडिंग आ जाए। आपके पास चावल का आटा न हो तो आप यहाँ बेसन भी यूज़ कर सकते हो। बेसन भी न हो, चावल का आटा भी ना हो तो आप गेहूं का आटा भी 1 टेबल स्पून ले सकते हो। छोटा वाला टेबल स्पून ही हमें यहाँ चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और अब हम उसे ऐसे
डो के शेप में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा गर्म है, गर्म जब हो तभी हमें ऐसी प्रोसेस करनी है। आपको ज़्यादा गर्म लगे तो थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हो हाथों में, और डिश में हम ऐसे उसे फैला लेंगे। आप देख सकते हो ऐसे हमें शेप दे देना है इसको। थोड़ा थोड़ा फट जाए तो आप पानी लगा कर भी ऐसे शेप दे सकते हो उसको। अब हम उसे काट लेंगे, तो पहले हम बीच में से काट लेंगे। देखिए हमने बीच में से काट लिया है, अब हम उसे ऐसे काट लेंगे, चौरस शेप में वो आ जाएगा। इस तरह से हमें काट लेना है। अब हम और शेप देने के लिए ऐसे काट लेंगे जिससे वो त्रिकोण शेप में आ जाए। जैसा समोसा आता है वैसा त्रिकोण शेप में हमें उसे काट लेना है। तो मैंने इसे त्रिकोण शेप में अच्छी तरह से सारे नाश्ते को काट लिया है, आप देख सकते हो। देखिए कितना परफेक्ट बना है। अब हम उसे डीप फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, हमें उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, सिर्फ डीप फ्राई करना है। आप चाहो तो शैलो फ्राई भी कर सकते हो। तो अभी मीडियम टू हाई गैस की फ्लेम पर हम उसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ एक नाश्ता हमारा बाहर से एकदम क्रंची और करारा बनकर तैयार होगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो हम ऊपर से भी थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे जिससे ऊपर से नाश्ता हमारा थोड़ा क्रंची तैयार हो। अब हम उसे पलटा लेंगे, एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए उसके बाद ही हमें उसे पलटाना है। तो उलट पुलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों प्लीज़ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई नई वीडियो की रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए नाश्ता हमारा फ्राई होकर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो इस तरह मैं सारे नाश्ते को फ्राई कर लेती हूँ और गरम गरम नाश्ते को चलिए एंजॉय करते हैं। ये ब्रेकफास्ट में आप चाय के साथ सर्व कर सकते हो, टमाटो केचप के साथ बहुत अच्छा लगता है ये नाश्ता। आप चाहो तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये नाश्ता दे सकते हो। तो ये नाश्ता हमारा बाहर से एकदम देखिए क्रंची बना है और कुरकुरा भी बना है और अंदर से एकदम हमारा सॉफ्ट नाश्ता है। तो किचन में रखे गए सामान से ये नाश्ता आप झटपट बनाकर सर्व कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।